हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल किताब के ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है प्रोटोजोआ। इन कुछ पिक्चरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोटोजोआ दिखते कैसे हैं और प्रोटोजोआ होते क्या हैं। डिफिनेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज एन इनफॉर्मल टर्म फॉर सिंगल सेल यूकेराइट्स। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय वाले यूकेराइट्स जीव हैं, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। यह फ्री रहते हैं, यह एक तरह के फ्री पैरासाइटिक हैं विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक टिश्यू एंड डब्रिस। यह दूसरे ऑर्गेनिक मैटरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिक टिश्यूज हो। इन सम सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ इज हाई लेवल टॉक्सोमोनिक ग्रुप। कुछ प्रणाली में, कुछ सिस्टम में प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक उच्च यानी हाई लेवल के क्लासिफिकेशन ग्रुप के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, दे आर यूनिसेलुलर, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा, मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक, मींस यह बहुत से सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब कि इनको बिना माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते। तीसरा, ऑल सिमेट्रिक प्रेजेंस, मतलब इनमें बहुत सारी कॉमन चीजें पाई जाती हैं, इनमें बहुत सारी कॉमन चीजें पाई जाती हैं, मतलब कि इनमें बहुत समानता पाई जाती है। नो जर्म लेयर आर प्रेजेंट, मतलब इनमें जर्म के कोई लेयर यानी कोई परत नहीं पाए जाते। पांचवा, दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यह जलीय जीव भी हो सकते हैं और स्थलीय जीव भी हो सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट वेयर अ डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। इट मींस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ ऑन अर्थ 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। द अर्लिएस्ट फंगी मे बी हैव इवॉल्व्ड अबाउट 600 मिलियन, while protozoans evolved early and have survived to the present days as unicellular organisms. It means जो पहले के फंगी हुआ करते थे वह उनका जन्म 600 साल पहले हो चुका था, जबकि जो protozoans थे वो पृथ्वी पर उससे पहले ही आ गए थे और धीरे धीरे सर्वाइव करना शुरू कर दिए थे। और इन मौजूदा समय में ये एक कोशिकीय जीव हैं। They have undoubtedly undergone considered evolutionary change. और ये एक कोशिकीय जीव में जीवित रहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोजोआ, हम इस डायग्राम द्वारा इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोजोआ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए बी सी डी ई एफ, ये छह तरह के प्रोटोजोआ हैं, मतलब इनके छह तरह की वैरायटी है। ये मेंबर हैं किसके, प्रोटोजोआ के। पहला क्या है, युग्लेना, दूसरा ओपालिना, तीसरा प्रोटोपैलिना, चौथा गिरडिया, पांचवा एंटामोबिया हिस्टोलिसिया और छठा एल्फिडियम। ये सभी क्या है, इनके मेंबर्स हैं। हाउ आर प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, मतलब इट मींस प्रोटोजोआ दो तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन एंड ऑकर इन सर्टेन ग्रुप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन, मतलब कि ये कम पाए जाते हैं और ये कुछ ही समूहों में पाए जाते हैं। Most protozoa reproduce asexually by cell division producing two equal or sometime unequal cells. Most protozoa, मतलब बहुत protozoa होते हैं वो asexually reproduce करते हैं, इनमें cell division द्वारा reproduction होता है और जो cell होता है वो दो बराबर भागों में बट जाता है और कभी कभी वो जो cell होते हैं वो unequal होते हैं, मतलब कि जो दो बराबर भागों में बटते हैं मगर उसमें भी समानता नहीं पाई जाती है। In some protozoa, reproduction occur by fission. कुछ protozoa में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फीजन द्वारा होता है। हार्मफुलनेस ऑफ प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोन्स कॉज डिजीजेस, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो बीमारी के कारण होते हैं। द प्रोटोजोन एंडोमोबिया हिस्टोलिटिका कॉजेज एमोबियासिस इन ह्यूमन बीइंग, द प्रोटोजोन एंडोमोबिया हिस्टोलिटिका कॉजेज एमोबियासिस इन ह्यूमन बीइंग। इट मींस अमीबा हिस्टोलिटिका में प्रोटोजोन्स और ह्यूमन में एम्बियोसिस का कारण होते हैं। गार्डिया कॉजेज गार्डियासिस वाइल प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, जो गार्डिया होते हैं वो गार्डियासिस के कारण होते हैं जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होते हैं। यूजफुलनेस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि प्रोटोजोआ एक अहम या मुख्य भूमिका निभाते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी खनिज को साफ करने के लिए। मेकिंग देम अवेलेबल फॉर यूज बाय प्लांट्स एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसको योग्य बनाते हैं ताकि उसे पौधे या अन्य मिट्टी के जो ऑर्गेनिज्म यानी जीव होते हैं उनमें इस्तेमाल करने के लिए। प्रोटोजोआ हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन देयर सेल्स देन द बैक्टीरिया दे ईट, मतलब कि प्रोटोजोआ के पास बहुत ही कम स्तर यानी कि बहुत लो लेवल का कंसंट्रेशन पाया जाता है नाइट्रोजन में या उनके सेल यानी कि कोशिकाओं में। देन द बैक्टीरिया दे ईट,
ना कि बल्कि बैक्टीरिया में, जो कि वो अपना भोजन बनाते हैं जिसे वो खाते हैं। अनदर रोल दैट प्रोटोजोआ प्ले इज इन रेगुलेटिंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन। प्रोटोजोआ का एक अहम रोल रहता है जो कि बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ाने में। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।